मेवात के YMD कॉलेज में बनाया गया है मतदान केंद्र। जिले की तीनों विधानसभा की मतगणना के लिए लगेंगी 39 टेबल। 36 अलग अलग टेबल पर लगी ईवीएम के माध्यम से होगी मतों की गणना। प्रत्येक टेबल पर रहेगी तीन तीन कर्मचारियों का स्टाफ। मतगणना स्टाफ का किया गया रैंडमाइजेशन। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने कहा है कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खटगटा ने कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार जिले में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। एडीसी नू ने कहा है कि किसी कड़ी में आज मतगणना के लिए ड्यूटी देने वाले स्टाफ का रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने कहा है कि यासीन में डिग्री कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाली तीन विधानसभा क्षेत्र नुहू, फिरोजपुर, झिरका व पुनहाना की मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार स्ट्रांग रूम की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल द्वारा लगातार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। प्रदीप सिंह मलिक IAS का कहना है कि मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे आरंभ होगी। मतगणना के लिए कल 39 टेबल, कुल 39 टेबल बनाई गई हैं और इनमें से 36 टेबल पर ईवीएम के माध्यम से मतगणना होगी, जबकि 3 अन्य टेबल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की होगी, जहां पर डाटा संग्रहित करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नुहू विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल बनाई गई हैं और 14 टेबल ही फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लिए लगाई जाएंगी। इसी प्रकार से पुनहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 टेबल लगेंगी। और अतिरिक्त उपायुक्त का कहना है कि प्रत्येक टेबल पर 3 सदस्यों का स्टाफ रहेगा। इस स्टाफ में काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग सहायक व काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मतगणना में ड्यूटी देने वाले स्टाफ व आज नियम अनुसार यहाँ पर आपको बता दें मतगणना 4 जून को की जाएगी। ये जानकारी संबंधित स्टाफ को मिलेगी उसे कौन सी टेबल पर जाकर ड्यूटी देनी है। इसके अलावा रिजर्व स्टाफ की भी मतगणना के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। देखिए, जो हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो पिछली 25 तारीख को कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी मतगणना अब 4 जून को होनी है। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं गुड़गांव लोकसभा के, DC गुड़गांव जो हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और कंसर्न जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, उन्हीं के जो SDM साहब हैं उनको ही उसमें मतगणना कराने के लिए ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर लगाया गया है। इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग जगह पे हमने मतगणना केंद्र बनाए हैं, या YMD कॉलेज में ये तीनों मतगणना केंद्र बने हैं। जो फिरोजपुर झिरका है उसके लिए 14 टेबल्स हमारे लगाई गई हैं, जिसमें कि अराउंड 18 के करीब जो है राउंड्स रहेंगे। उसी तरीके से नू विधानसभा के लिए हमारे पास 14 टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें 15 के करीब राउंड्स रहेंगे, और पुनाना विधानसभा के लिए 8 टेबल्स लगाई गई हैं। तो इस तरीके से हमने जो है मतगणना से को लेके सभी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं, सभी अधिकारियों की ड्यूटियां उसमें लगा दी गई हैं। इसके लिए एक रेंडमाइजेशन प्रोसेस भी होती है, जिसमें मतगणना से संबंधित जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगनी है वो भी कंप्लीट कर दी गई है। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल इशूज़ जो रहते हैं जनरली, जो हमारे को तैयारियाँ करनी होती हैं, वो सारी तैयारियाँ भी कर ली गई हैं।